चुनाव होगा द्वारा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में। मिर्जापुर के लोगों से विशेषता कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, चाहे मिर्जापुर हो या प्रदेश का कोई कोना, समाजवादी पार्टी के शासन काल में गुंडे माफिया मवालियों की भरमार थी। थाने मकान दुकान कोई सुरक्षित नहीं थे। मैं कह सकता हूं कि आज पुलिस गुंडों बदमाशों को दौड़ा रही है, गुंडे बदमाश प्रदेश को छोड़ करके भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासन काल में क्या होता था किसी ने छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लाट हमारा है। जितना बड़ा सपा का गुंडा उतना बड़ा सपा का झंडा, ये नारा उत्तर प्रदेश के लोगों ने आम कर दिया था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के योगी जी की सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र जी को कमल वाले खाने का बटन दबा करके ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मनीष गुप्ता जी का, राजकुमारी खत्री जी का, ओमकार यादव जी का, संतोष गोयल जी का, साधना गुप्ता जी का, कविता सिंह राजपूत जी, चारों तरफ के ही लोग कहते हैं रत्नाकर भैया के पास जाओ तुरंत चिट्ठी फोन करते या थोड़ी सम्मान देने का काम करते हैं। क्या आप दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं? उम्मीद बिजली का कनेक्शन, शौचालय जैसी योजनाएं चलाई गई है। कोरोना महामारी का काल जब आया तो सभी भी अच्छी दल अपने घरों में बैठ करके सोशल मीडिया तक सीमित थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के साथ खड़े होकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी से भी लड़ने का काम किया। और जब उनकी रोजी रोटी पर बंद आई तो महीने में दो बार निःशुल्क राशन देने का भी काम किया। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, व्यापारी मित्रों, आप जानते हो समाजवादी पार्टी की जब जब शासनकाल हुआ है प्रदेश में यही गुंडे माफिया हम लोगों को लूटने का काम करते थे। आज आपके सामने विभिन्न रूपों में आकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आप उनको याद दिलाइएगा, मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल के कारनामे और 2012 से 17 तक के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के कारनामे कि हम भूले नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश में कानून का राज चाहिए। हमें रत्नाकर मिश्र जैसा एक नेता चाहिए जो हमेशा माई की सेवा में चरणों में लगा रहता है और विद्या चली नहीं पूरे वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करते हुए प्रत्येक नागरिक प्रत्येक प्राणी प्राणी के लिए काम करने का काम करता है। एक ऐसा नेता चाहिए जिसके हाथ पकड़ करके आप कुछ भी काम ले सकते हो। क्या रत्नाकर मिश्र जी जो भी हमारे अखिलेश जी ने कहा है कि बाबा के घर से धुआं उठता है सुबह, क्या कहना है? इसलिए इस प्रकार की बातें करना लोकतंत्र में उचित नहीं है। हमको सबको गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबका सम्मान करते हुए समाज में अपनी बात रखती है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। इस प्रकार की बातें केवल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की कहावत सिद्ध करती है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करता हूँ, कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार, गरीब कल्याण करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार को कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज सिर्फ भाजपा सरकार ही स्थापित कर पाई है और पूरी तरह से लोग भाजपा के साथ खड़े हों तभी उत्तर प्रदेश को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। प्रियंका ये बयान दे चुकी है, अखिलेश ने ये बयान दिया कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। दूसरी चीज उनका एक चीज ये कहना है कि साढ़ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारी सरकार ने गोवंश को बचाने का काम किया है। स्लॉटर हाउसेज में गोवंश काटे जाते थे,
सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया है और किसानों को खेतों को बचाने के लिए हमने वो आश्रय स्थल बनाए हैं और उनको और मजबूत करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद हम विशेष योजना बनाकर ऐसे आवारा पशुओं को हम कुछ जरूर करेंगे जिससे किसानों को हम बचा पाए। कोई चूक नहीं हुई है, हम लोगों ने ठीक से काम किया, फिर भी कुछ त्रुटियां हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सुधारने के लिए कहा, 10 मार्च के बाद हम विशेष प्रयास करके कोई काम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री से पूरे प्रदेश के लोगों को आशा। यूक्रेन संकट में जिस तरीके से लोग फंसे हुए, क्या कहना है आपका कि हमारी सरकार शीघ्र ही लोगों को सकुशल वापस ला रही है और आप देख रहे हैं जहाज आज ही आने वाला, मैंने अखबार टीवी में देखा। अच्छा, 5वें चरण का कल है, अब तक का चुनाव जो आपने देखा है पश्चिम, क्या लगता है कि जो पहले जो सीटें, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं और परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा और ये समाजवादी पार्टी से जो विपक्षी दल हैं ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होंगे। देखिए ये तो काउंटिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है। जैसे 325 सीटों का आकलन 2017 में किसी को नहीं था, लेकिन 2022 में जब परिणाम आएगा प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इंटरनल सर्वे तो आपके हुआ ही होगा, उसमें क्या आंकड़ा बता रहा है? आपके पास इंटरनल सर्वे है क्या? मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, जनता का सर्वे किसी के पास नहीं। जनता बीजेपी को ला रही है, मैं कह सकता हूँ, नब्ज पकड़ करके कह सकता हूँ, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है।